तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है यहाँ से। हम लोग चल रहे हैं अपने खेत में। खेत में चलते चलते आगे कुछ इस तरह से मिलता है दोस्तों, ये क्या बना हुआ है? तो ट्रैक्टर पर लदा हुआ घर है गाइस। आगे हम लोग चलते हैं तो एक मोटरसाइकिल मिलती है, इधर बाबा बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों तो चलते चलते हमको एक फिर अपना बांध मिलता है गाइस। अभी उस बांध पर चलेंगे, फिर आपको वहाँ का बांध दिखाएंगे गाइस। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। अब हम अपने बांध पर पहुंच चुके हैं। हमें अब हमारा दोस्त है यानी मेरे अंकल का बेटा है और हम लोग चल ही रहे हैं गाइस। तभी गाइस चलते चलते आगे बच्चे दिखते हैं, वो जलेबी तोड़ रहे होते हैं इस पेड़ में। कमेंट में बताएं आपको यहाँ इसको क्या बोला जाता है। तभी गाइस जो हम पहुँच चलते हैं, वहाँ पहुँच कर देखते हैं कुछ इस तरीके से जलेबी तोड़ी जाती है। और देखो गाइस ये देखो गिरती है, ये बंदा उठा लेता है और हम लोग यहाँ पांजने हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर इधर कुछ इस तरीके से नज़ारा आता है दोस्तों। इधर ये जवान जानवर चल रहे हैं जिसको नीलगाय वगैरह कहते हैं। आगे बाबा साइकिल से जा रहे होते हैं। तब तक इधर हमें बहुत सारे घर दिखते हैं गाइस। फिर इधर हमें आगे कुछ इस तरीके से दिखता है। कमेंट में बताएं गाइस इसको क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो उसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है गाइस। फिर हम लोग चल देते हैं, फिर चलते चलते कुछ ही देर में अपने खेत में पहुँचने वाले होते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ तीन जने हो जाते हैं तक। मेरा एक भाई आ जाता है और फिर दोस्तों यहाँ से चलते रहते हैं, फिर उस खेत में पहुँचने वाले ही होते हैं दोस्तों। गाइस दोस्तों देखो ये क्या कर रहा है, मैंने पहली बार इसको ये करते देखा। फिर आगे देखो जा रहा होता है, इसकी चेन फिर फंस जाती है उसमें। तब तक ये देखो हम लोग और एक बंदा बढ़ जाता है हमारे लोगों में। तब तक गाइस हम लोग ही पहुँच रहते हैं। तब तक ये देखो सोने लगता है रोड पर, बढ़कर थक जाता है। फिर दोस्तों यही रहा खेत, इसमें हम लोग घास भी छीलेंगे। फिर घास उछोल कर गाइस यहाँ से जाएंगे। ये गाइस रही हमारी साइकिल, इसकी चैन फंस चुकी है अब छूट भी नहीं रही है। तो गाइस हम लोगों के पास खुरपा है, इसी से घास छोलेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से घास घूस छोल कर गाइस अपनी साइकिल, इस पर इसको लाद लेंगे और चलेंगे यहाँ से गाइस। दोस्तों घास छोलने से पहले आपको इधर का लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ देखो प्रीतम छोल रहा है, इधर काफ़ी सारा पड़ा हुआ है खाली खेत और हम लोग इसी में छोलने आए हैं गाइस। और ये रही हमारी बोरी गाइस, ये हमारा खुरपा पड़ा हुआ है, अभी इसमें घास छोलेंगे गाइस। और फिर आप घास छोल कर आपको दिखाते हैं कितनी देर में घास हमारी होती है गाइस। गाइज यहाँ पर प्रीतम और हम दोनों लोग घास छील लिए हैं, अब यहाँ से चलेंगे घर को गाइज। और फिर आगे चलो चलते हैं इसी रास्ते पर गाइज आगे बढ़ते हुए। और इधर गाइज सनसेट भी होने वाला है। उधर एक और झोपड़ी गाइज मिलती है यहाँ, जो कि ऊपर टंगी हुई है गाइज। कमेंट में बताएं इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है। और गाइज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इधर गाइज सनसेट भी होने वाला है, तो इसीलिए अब हम लोग चलते हैं गाइज यहाँ से। देखो गाइज कितनी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है गाइज। गाइज यहाँ से व्यू देखो गाइज कितना अच्छा आ रहा है। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फाइनली दोस्तों हमारी लोगों की घास अब हो चुकी है और हम लोग अब चल रहे हैं घर। अब मिलते हैं दोस्तों कल अगले व्लॉग में किसी नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद।